प्रदेशों में बांटिए तथा उसकी विशेषताएं बताएं। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो औद्योगिक प्रदेश क्या है लिखना होगा, जिसको हम नहीं लिखाएंगे यहाँ, कारण है कि पर लिखा चुके हैं, तो वहां आप लोग लिख देंगे तब प्रदेश में बांटिए कि औद्योगिक प्रदेश कौन कौन है। तो बिहार को मुख्यतः 9 औद्योगिक प्रदेशों में बांटा गया है। उद्योग धंधे तो बहुत बड़े बड़े नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी जो है उसके आधार पर, जो है समूहीकरण के आधार पर, इसके 9 भागों में बांटा गया है। देखिए हम बिहार के मानचित्र पर दिखाते हैं। गंगा नदी देखेंगे, थोड़ा सा और ऊपर रहता, चलिए छोटा हो गया। आप देखेंगे इसमें कि 9 औद्योगिक प्रदेश कौन कौन है। पहला चावल मिल औद्योगिक प्रदेश, चावल मिल औद्योगिक प्रदेश, दूसरा जूट मिल औद्योगिक प्रदेश, जूट मिल औद्योगिक प्रदेश, तीसरा उत्तर पश्चिम चीनी मिल औद्योगिक प्रदेश, चौथा पूर्वी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश। पांच में पश्चिमी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश, मोकामा बरौनी औद्योगिक प्रदेश, सोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश गया औद्योगिक प्रदेश। 9 में हो गया पटना हाजीपुर, ये नवीनतम औद्योगिक प्रदेश है। ये 9 औद्योगिक प्रदेश है। देखेंगे पहला जो है आपका चावल मिल औद्योगिक प्रदेश, देखेंगे बेतिया से लेकर मोतिहारी से लेकर किशनगंज तक, ये आपका तराई प्रदेश में ये चावल औद्योगिक प्रदेश है। हम इसको रंगने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर लिख देते हैं। ये जो है आपका देखेंगे चावल औद्योगिक प्रदेश है, यह औद्योगिक प्रदेश चावल पर आधारित है। यहां पर जो है दलदली मिट्टी पाई जाती है और हिमालय द्वारा जो है वो लाई गई है, और आप देखेंगे इसमें चावल की धान की खेती काफी होती है। दूसरा देखेंगे औद्योगिक प्रदेश जूट मिल औद्योगिक प्रदेश, ये औद्योगिक प्रदेश ये है, ये भाग है,
जो आपको पूर्णिया कटिहार दरभंगा के साइड को लेकर के थोड़ा सा ये आपका क्षेत्र आ जाता है। फिर आप देखेंगे तीसरा हो गया आपका उत्तर पश्चिम चीनी मिल औद्योगिक प्रदेश, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर के साइड तक थोड़ा आ जाता है, यहां तक इस साइड में पड़ता है। तीसरा हो गया। चौथा आपका हो गया पूर्वी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश, ये है पूर्वी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश। पांच चौथा हो गया, चौथा चार पश्चिमी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश, ये पांच। छह में हो गया आपका मोकामा बरौनी औद्योगिक प्रदेश, देखेंगे ये मोकामा हो गया बरौनी औद्योगिक प्रदेश। छह सात में हो गया आपका सोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश, रोहतास का क्षेत्र है, इसमें आपको जो है बंजारी सूती अति क्या बोलते हैं सीमेंट कारखाना। आठ में हो गया आपका गया औद्योगिक प्रदेश। नौ में हो गया पटना हाजीपुर, ये पटना और हाजीपुर का क्षेत्र है, ठीक है। नौ, ये नौ औद्योगिक प्रदेश है भारत में, बिहार में, हाँ देखिए बिहार में, सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन अधिक होता है, गन्ना के उत्पादन के कारण यहाँ चीनी मिल का काफी विस्तार है। देखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पर जो बिहार में 33 चीनी मिल हुआ करता था, जिसमें 23 इसी क्षेत्र में था, और आज वर्तमान में 10 चीनी मिल है, 10 चीनी मिल बच गया है और एक निर्माण अवस्था में है 11। इस प्रदेश में को विकसित होने के पीछे मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु है, क्योंकि इससे गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा इस प्रदेश में वर्तमान में बेला में, ये छपरा बेला में, बेला में रेल चक्का, रेल पहिया, कारखाना स्थापित है, जबकि मढ़ौरा में, इसी क्षेत्र में मढ़ौरा में रेल इंजन कारखाना स्थापित है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें चावल आधारित उद्योग, पापड़, तिलौड़ी, सेवई इत्यादि का विकास हुआ है, जबकि आप देखेंगे जूट मिल कारखाने में यहां जो है आपको जूट आधारित तो केंद्र स्थापित हुए ही है, बाद में रुगड़ हो गए हैं वर्तमान में, लेकिन मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना, जो भारत का सबसे पावरफुल कारखाना है, यहां स्थापित किया जा चुका है। आप देखेंगे कि पूर्वी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश, इसे सिल्क प्रदेश भी कहा जाता है, भागलपुर इसी में स्थित है, भागलपुर में सिल्क उद्योग स्थापित है, मुंगेर में सिगरेट उद्योग स्थापित है, मुंगेर में ही आप देखेंगे कि बंदूक कारखाने ऑर्डनेट फैक्ट्री स्थापित किया जा चुका स्थापित है और काम कर रहा है। देखेंगे चट्टा में मोकामा बरौनी औद्योगिक प्रदेश, मोकामा बरौनी औद्योगिक प्रदेश, आप देखेंगे बरौनी में तेल शोधन कारखाना, उर्वरक कारखाना, डेयरी मिल्क की स्थापना हुई है, जबकि मोकामा में आप देखेंगे
बाटा शू कंपनी की स्थापना की गई है और यहां पर भी रेलवे वर्षो की भी स्थापना हुई है। पांच में देखेंगे पश्चिमी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश पटना से साइड से लेकर आरा बक्सर तक विकसित है। देखेंगे इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र, चमड़े का उत्पादन हो रहा है। जबकि आप देखेंगे सात में सोन बेसिन, ये रोहतास जिले में अवस्थित है। इस जिले में पत्थर तोड़ने का कारखाना, सीमेंट कारखाना बंजारी में इत्यादि स्थापित किया जा चुका है। आठ में देखेंगे गया औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र के साथ साथ तिलकुट उद्योग स्थापित किया जा चुका है। पटना हाजीपुर औद्योगिक प्रदेश यह नवीनतम औद्योगिक प्रदेश है। पटना में साबुन फैक्ट्री से लेकर छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग काम हो रहे हैं। पापड़ तिलौड़ी सेवई पटाखा उद्योग सब अवस्थित है। जबकि हाजीपुर में प्लाईवुड कारखाने स्थापित किया जा चुका है। ये आपका औद्योगिक प्रदेश है। नौ किसी को लिख देना, कोई दिक्कत? चलिए लिखिए। परिभाषा लिख लेंगे ना, लिखा ही दें, बुला जाएंगे बाद में कि यहां ये भी लिखना है। चलिए लिखिए तब, लिखिए। सामान्यतः औद्योगिक प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां विभिन्न श्रृंखलाबद्ध अनेक कारखाने केंद्रभूत हो जिससे औद्योगिक भूदृश्य विकसित होता है। औद्योगिक भूदृश्य विकसित होता है। इस दृष्टिकोण से बिहार में नौ औद्योगिक प्रदेशों का विकास हुआ है। जो मानचित्र में स्पष्ट किया गया है। इधर उधर ताक रहे हैं आप लोग, इसका मतलब छूट रहा है। जो मानचित्र में स्पष्ट किया गया है, अब इससे कम स्लो ना बना बोला जाएगा हमसे। हाँ, चाहे आप लोग का छूटे चाहे कुछ हो, तो हम क्या करेंगे? अब कितना स्पीड कम करें? हाँ, अब ये हो गया, ये बना लिए हैं सब लोग, बना लिए, किसी का छूटा ही ना है। छूटा है तो बना लीजिए, रुक जाए ना, उसको बंद कीजिए, बना लिए, मैथ बन गया ना। चलिए पहला लिखिए, चावल मिल औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश धान की खेती पर आधारित है। यह पश्चिम चंपारण से लेकर नेपाल के तराई के समानांतर किशनगंज तक फैला हुआ है। इस प्रदेश में कच्चे माल के रूप में
धान, उपलब्ध है। स्थानीय श्रमिक तथा स्थानीय पूंजी निवेश की सुविधा है, तथा स्थानीय पूंजी निवेश की सुविधा है। इस औद्योगिक प्रदेश में चावल पर आधारित कई उद्योग स्थापित है, जैसे चावल मिल, कई उद्योग विकसित है, जैसे चावल मिल, सेवई, पापड़ इत्यादि जैसे लघु उद्योग और इत्यादि जैसे कुटीर उद्योग विकसित है। दूसरा, जूट मिल औद्योगिक प्रदेश, यह बिहार राज्य के पूरब में अवस्थित है, पूरब में अवस्थित है। यह मुख्य रूप से पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया किशनगंज तथा मधेपुरा, मधेपुरा का क्षेत्र आता है। पूर्णिया किशनगंज में चाय उद्योग तथा जूट उद्योग, मधेपुरा में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, रेलवे विद्युत इंजन कारखाना विकसित है। नई तकनीकी पर आधारित अन्य उद्योगों की स्थापना की जा रही है, अन्य उद्योगों की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट, तीसरा, उत्तर पश्चिम चीनी मिल औद्योगिक प्रदेश, उत्तर पश्चिम चीनी मिल औद्योगिक प्रदेश, यह क्षेत्र गन्ने की कृषि पर आधारित है, इस औद्योगिक प्रदेश का विकास, इस औद्योगिक प्रदेश का विकास बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर में है। इस प्रदेश में वर्तमान में 10 चीनी मिले, इस प्रदेश में वर्तमान में 10 चीनी मिले चालू अवस्था में है। जबकि स्वतंत्रता के समय 23 चीनी मिले हुआ करती थी, 23 चीनी मिल हुआ करती थी। छपरा के बेला में,
छपरा के बेला में रेल चक्का फैक्ट्री मढ़ौरा में रेलवे डीजल इंजन फैक्ट्री अवस्थित है। नेक्स्ट, पूर्वी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश गंगा औद्योगिक प्रदेश न है पूर्वी गंगा नदी औद्योगिक प्रदेश लिखिए। इस प्रदेश में मुख्य रूप से जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप, मुंगेर में सिगरेट कारखाना तथा बंदूक कारखाना, भागलपुर में रेशम सूती वस्त्र तसर सिल्क उद्योग स्थापित है। कहलगांव में एनटीपीसी स्थापित है। नेक्स्ट, पश्चिमी गंगा औद्योगिक प्रदेश बक्सर तक फैला हुआ है। पटना में सूती वस्त्र उद्योग फुलवारी शरीफ में दीघा में बाटा शू कंपनी, फतुहा में स्कूटर कंपनी, जूता कंपनी, फतुहा में स्कूटर कंपनी स्थापित है। बक्सर में सूती वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक उद्योग तथा चमड़ा उद्योग की स्थापना हुई है। इन उद्योगों के विकास का मूल कारण यातायात की सुविधा है। नेक्स्ट, छठा, मोकामा बरौनी औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश पटना जिले के मोकामा से लेकर
पटना जिले के मोकामा से लेकर बेगूसराय के बरौनी तक, बेगूसराय के बरौनी तक फैला हुआ है। बरौनी में, बरौनी में तेल शोधन कारखाने, तेल शोधन कारखाने, पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन, तापीय विद्युत संयंत्र, पेट्रो रसायन, तापीय विद्युत संयंत्र, मोकामा में मक्खन, बिस्कुट, दाल मिल, दाल मिल, दाल मिल नहीं होता है, दाल कैसे निकल जाता है, दाल मिल, रसायन, रेलवे डिब्बा कारखाना, रेलवे डिब्बा कारखाना तथा बाटा शू कंपनी, बाटा शू कंपनी स्थापित है, बाटा शू कंपनी स्थापित है। हाँ हाँ जी सर, हाँ। सोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश लिखिए, यह रोहतास जिले में अवस्थित है। यह रोहतास जिले में अवस्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश में डालमिया नगर, इस औद्योगिक प्रदेश में डालमिया नगर, बंजारी तथा जापला सीमेंट, जापला, जापला, जापला सीमेंट कारखाने है। नवी नगर में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है, नवी नगर में ताप विद्युत केंद्र स्थापित है। हाँ नवी नगर, चलिए अगला, गया औद्योगिक प्रदेश, गया औद्योगिक प्रदेश लिखिए, बंजारी लिख लीजिए, गया औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश में, गया औद्योगिक प्रदेश, इस औद्योगिक प्रदेश में चावल मिल, तंबाकू मिल, तिलकोट, तिलकोट, बिस्कुट, पीतल के बर्तन तथा सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई है। पत्थर तोड़ने के कारखाने भी स्थापित है, पत्थर तोड़ने के कारखाने भी स्थापित है। नेक्स्ट, पटना हाजीपुर औद्योगिक प्रदेश, पटना हाजीपुर औद्योगिक प्रदेश, वर्तमान में यह नवीन औद्योगिक प्रदेश है। औद्योगिक प्रदेश है, हाजीपुर में प्लाईवुड, हाजीपुर में प्लाईवुड, दुग्ध उद्योग, प्लाईवुड, दुग्ध उद्योग इत्यादि स्थापित है, इत्यादि स्थापित है। पटना महानगर में साबुन, ऑटोमोबाइल, साबुन, ऑटोमोबाइल, मोमबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती इत्यादि उद्योग केंद्रित है, इत्यादि उद्योग केंद्रित है। पैराग्राफ चेंज,
इस प्रकार बिहार राज्य में औद्योगिक प्रदेश का भूदृश्य देखने को मिलता है, भूदृश्य देखने को मिलता है। बस हो गया, ये अगला भी पढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाओं की व्याख्या करें। देखेंगे, संभावना कह रहा है कि बिहार में कौन कौन से उद्योग स्थापित हो सकते हैं, इसकी संभावना क्या है। देखेंगे, बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालें। बिहार राज्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही औद्योगिक विकास का संकेंद्रण रहा है, लेकिन बार बार बिहार राज्य के विभाजन से औद्योगिक प्रदेश जो है विभाजित राज्यों में चला गया। परिणाम स्वरूप बिहार में औद्योगिक केंद्र कम देखने को मिलता है। फिर भी बिहार सरकार औद्योगिक नीति बनाकर औद्योगिक विकास करने का प्रयास कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है, बढ़ाई भी करना है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ भौगोलिक कारणों, कुछ मानवीय कारकों के फलस्वरूप उद्योगों का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। इसलिए आप देखेंगे कि बिहार में कई ऐसे कारक हैं जिसके आधार पर औद्योगिक विकास की भरपूर संभावना है। आप देखेंगे कौन कौन से कारक यहां मौजूद है जिसके आधार पर हम यहां पर संभावना व्यक्त कर सकते हैं। जैसे नहीं होता है, इस लड़के में क्या संभावना है, देखने से पता चलता है कि यह कुछ करेगा। इस लड़की में क्या संभावना है, देखने से पता चल रहा है कि यह कुछ करेगी। क्या उसके रिजल्ट को देख करके, उसके मार्क्स को देख करके बताया जा सके, उसकी पढ़ाई को देख करके कि भविष्य में कुछ कर सकते हैं। बिहार राज्य में भी संभावनाएं हैं। क्या संभावनाएं हैं? सबसे पहले कृषि आधारित उद्योगों की संभावना है जी। बिहार जो है चीनी उद्योग का एक केंद्र रहा है, देखेंगे। और यहां पर इसके लिए प्राकृतिक एवं मानवीय कारक उपलब्ध है। और चीनी मिल का रुग्ण होना परिभाषित करता है कि यहां पर औद्योगिक विकास कम हुए, लेकिन ये भौगोलिक कारण और मानवीय कारक के फलस्वरूप फिर यह उद्योग पटरी पर उतर सकता है, क्योंकि यहां पर गन्ना उत्पादन के लिए मानसूनी जलवायु है, क्योंकि गन्ने में पानी अधिक लगता है, इसलिए मानसूनी जलवायु पर आधारित गन्ने का विकास किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है। और गन्ने आधारित उद्योग चीनी मिल उद्योग की स्थापना की जा सकती है। साथ ही इसके आधार पर
हम जो इसका सीरा निकालते हैं वो सीरा का हम शराब के रूप में, पहले शराबबंदी है लेकिन हमको पढ़ाना है, शराबबंदी अपनी जगह पर है, दूसरी सरकार आएगी शराबबंदी खत्म कर देगी, तीसरी आएगी बंद कर देगी, ऐसे चलते रहेगा, सिस्टम चलते रहता है। हाँ, क्योंकि देखेंगे कि चीनी, चीनी के आधार पर चीनी से निकले सीरा से आप देखेंगे कि शराब फैक्ट्री की स्थापना की जा सकती है। बहुत से शराब फैक्ट्री है जो बंद हो गई, लेकिन ये शराब फैक्ट्री उत्पाद जो है विकसित किया जा सकता है। इसके आधार पर जो उसकी खोई निकलता है उससे कागज का निर्माण हो सकता है, ये बहुत संभावना है इन भौगोलिक कारकों के फलस्वरूप। दूसरा देखेंगे मिट्टी, यहां की मिट्टी जो है काफी उपजाऊ है, काफी उपजाऊ होने के कारण हम कृषि आधारित उद्योग का विकास कर सकते हैं, लघु कुटीर उद्योग का, जैसे पापड़ तिलौड़ी सेवई अचार इत्यादि उद्योग की स्थापना हम कर सकते हैं इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में किया जा सकता है जी, और काफी इन क्षेत्रों में भी हो सकता है। यह है कृषि आधारित। इसके अलावा कृषि आधारित मखाना, दरभंगा सहरसा सुपौल मखाना उद्योग की स्थापना किया जा सकता है। पूर्णिया और क्षेत्र में देखेंगे जूट मिल की कर संभावना काफी है, पहले भी जूट मिल था यहां, यही था बंद हो गया, सब रोग लगभग बंद हो गया, ये है संभावना यहां। साथ ही अब कृषि पर ही आधारित आप देखेंगे कि यहां आप भागलपुर क्षेत्र में या आप देखेंगे गया के क्षेत्र में चावल मिल, ससाराम के क्षेत्र में रोहतास में चावल मिल काफी है स्थापित, लेकिन और इसके विस्तार दिया जा सकता है और विकास किया जा सकता है। देखेंगे कि यहां पर मुजफ्फरपुर में लीची उद्योग का विकास किया जा सकता है, अब जीआईएस टैग मिल चुका है इसको, शाही लीची को, कतरनी चावल को, मगही पान को, सिलाव के खाजा को, नहीं ये जो है आप देखेंगे कि ये हम डेवलप कर सकते हैं, यहां पर कृषि आधारित उद्योग का विकास हो सकता है। देखेंगे वन आधारित उद्योग, एक कृषि आधारित हो गया वन आधारित, बिहार राज्य में वनों की क्षेत्रफल कम है फिर भी झारखंड पड़ोसी राज्य है, वहां से वन आधारित उद्योगों का विकास किया जा सकता है जी। वन आधारित उद्योगों में आप देखेंगे हाजीपुर में प्लाईवुड, क्योंकि हमारे राज्य में 11 करोड़ जनसंख्या है, सबको घर की आवश्यकता होगी और सबको जो है बिस्तर की आवश्यकता होगी, खासकर शादी विवाह में देखेंगे मांग बढ़ जाती है जी, हर माता पिता अपने बेटी को दीवान पलंग सोफा सब देते हैं। तो ये देखेंगे ये उद्योग की स्थापना हम पटना के आसपास कर सकते हैं या महानगरों के आसपास कर सकते हैं या नगरों के आसपास कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी शहर से खरीदना चाहता है, आजकल लोग बनवाना नहीं चाहते हैं, रेडीमेड मिल जाए कंपनियों द्वारा साफ स्लिम रहता है, अच्छा रहता है, सुंदर रहता है दिखने में, तो ये जो है ये कारखाने यहां वन आधारित, साथ ही वन आधारित ही रेशम उद्योग, रेशम के कीड़े भागलपुर में, और इसे जो है यहां पर रेशम उद्योग का विकास और किया जा सकता है। बिहार सरकार देखेंगे भारत सरकार द्वारा कई हजार से 20,000 की 25,000 साड़ी की मांग की गई, भागलपुर में ही बना, भागलपुर के सत्तसर का ही साड़ी बनकर गया, किस कौन सा फंक्शन कोई था, हाँ एयर इंडिया, अब तो एयर इंडिया की स्थिति खराब हो गई, हाँ उसमें ये भागलपुर के हम सही में वास्तव में हम गए तो देखे कि भागलपुर के सिल्क साड़ी पर मधुबनी पेंटिंग किया हुआ पानी हुई थी होस्टेज, एयर होस्टेज एयर इंडिया में, एकदम मैंने लगता था कि वो और सब प्लेन में जाइएगा
तो लगेगा कि एकदम हाँ विदेशी जैसा, लेकिन उसमें लगेगा कि एकदम भारतीय नारी, एकदम सही में साड़ी पहन करके एकदम इतने पर क्या बोलते हैं ब्लाउज इतना तक पहन करके अपना जो है बहुत अच्छा लगता है, नाश्ता पानी सब कराता है लोग, तो आप देखेंगे। लेकिन टिकट बड़ी महंगा होता है यार इंडिया का जी, बड़ी महंगा होता है, इसलिए लोग चढ़ना घाटा में क्यों जा रहा है, महंगे इतना टिकट देता है कौन चढ़ेगा उस पर, मजबूरी में लोग चल जाता है जब टिकट नहीं मिलता है। तो आप देखेंगे ये वन आधारित उद्योगों का विकास हो सकता है, खनिज आधारित, खनिज आधारित उद्योग सबसे बड़ी पत्थर तोड़ने के लिए, और सीमेंट उद्योग रोहतास के क्षेत्र में विकास किया जा सकता है, पत्थर तोड़ने का कारखाना यहां पर स्थापित हो सकता है, ये इसके यहां देखेंगे कि खनिज आधारित उद्योग का विकास। और भारी उद्योग, भारी उद्योग में देखेंगे कि ये उद्योग जो है कहीं भी स्थापित किया जा सकता है दक्षिण भारत में और उत्तर पूर्व भारत में, क्योंकि यहां जो है बाढ़ की समस्या नहीं है, बाढ़ की समस्या नहीं है, भले मधेपुरा में स्थापित है लेकिन रेलवे चक्का फैक्ट्री स्थापित कर दिया गया है, क्योंकि उस समय रेलवे मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने वहां पर स्थापित कर दिया, लेकिन उसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं था, फिर भी उस वहां पर चुनाव लड़ते थे तो वहां पर अपना लेकर के वहां और छपरा में दो जगह अपना स्थापित कर दिया, क्योंकि दोनों जगह से चुनाव लड़ते थे, दो फैक्ट्री तीन फैक्ट्री एक मढ़ौरा में और एक बेला में और एक मधेपुरा में, तीन स्थापित हुआ। फिर आप देखेंगे कि ये भारी उद्योग स्थापित किया जा सकता है, विशेषकर अभी राजगीर बहुत बड़ा सेंटर बन गया है जी, बिहार शरीफ ये क्षेत्र में हर चीज का सुविधा अब वहां पर उपलब्ध है, तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है स्थापित किया जा सकता है। ये हो गया उद्योगों के विकास की संभावना, क्यों स्थापित किया जा सकता है, सबके लिए अलग अलग कारक है, भौगोलिक कारकों के अलावा मानवीय कारक भी है। मानवीय कारक क्या है कि आप देखेंगे कि श्रम, सस्ते श्रम है, इतना सस्ता श्रम कहीं नहीं मिलेगा आप देखेंगे बिहार में, क्योंकि बेरोजगारी काफी है तो सस्ते श्रम, लेकिन कुशल श्रम नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि सस्ते श्रमिक है लेकिन कुशल श्रमिक नहीं है, सारा काम गबड़ा देंगे ये लोग जो उठाने वाले हों, सस्ते श्रमिक है लेकिन वो टेक्नोलॉजी उनको मालूम नहीं है, और कुशल श्रमिक है, कुशल और अति कुशल नहीं है, जिसके कारण ये बिहार पर बोझ बने हुए हैं, और ऐसी बात बोल देंगे तो तुरंत जो है अगर लीडर के रूप में अगर बोल देंगे तुरंत यहाँ के देखिए ये क्या बोल दिया, ये नेता फलाना क्या बोल दिया, बाप रे वोट घसक गया, ये हो गया वो अपमान बिहार का कर दिया, बाप रे बड़ा सम्मान मिला है बिहार का, हम तो देख भी कर रहे हैं कि लोग यहाँ से भटक रहा है रोजगार के लिए, अब बहुत बड़े सम्मान बोल रहे हैं, जहां बिहारी जाते हैं वहीं विकास हो जाता है, तो अपने राज्य का विकास क्यों नहीं करते हैं मेरे भाई, अपने राज्य का विकास करना चाहिए ना, जहां बिहारी गया वहीं विकास कर दिया, बताइए तो नहीं होता है कि हम दूसरे के विकास करने में हम गरीब रह गए, नहीं होता है, वही स्थिति हमारे। तो आप देखेंगे कि ये जो है संसाधन, संसाधन भी यहां पर रेलवे मार्ग, बाजार नजदीक में कोलकाता और समान दूरी पर है दिल्ली, बाजार उपलब्ध है, यहां से माल का जो है निर्यात किया जा सकता है, और जो है आप देखें कच्चे माल को आयात किया जा सकता है, ये सुविधाएं यहां है, इसलिए यहां पर जो है कृषि औद्योगिक विकास की भरपूर संभावना है, सिर्फ आवश्यकता है सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की और राज्य और केंद्र की सहयोग की, तभी यहां पर उद्योग स्थापित हो सकता है। अब किटलाइज नहीं करना है क्योंकि संभावना कह रहा है, तो आप किटलाइज क्यों करेंगे इसको, आलोचनात्मक करेगा संभावना तब ना आलोचना लिखेंगे, तो आलोचना तो पूछ नहीं रहा, तो आप इसको छोड़ देते हैं, कल लिखाएंगे पर्यटन, हाँ पर्यटन उद्योग लिखिए ना जितना है, पर्यटन उद्योग बोध गया बिहार शरीफ पटना म्यूजियम वैशाली जहां जहां है सबको लिख दीजिए, यहां पर भरपूर संभावना है, सिर्फ आवश्यकता है यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की कि जल्द